दोस्तों, क्या आपने भी अपने नंबर पर डबल बार रिचार्ज किया है और आप जानना चाहते हैं कि डबल बार रिचार्ज करने पर क्या होगा? क्या मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, या फिर मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे, या फिर मेरा सेकेंड रिचार्ज जो है फर्स्ट रिचार्ज खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए? आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे, पर डोंट वरी गाइस, आज मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, यहां पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। मान लीजिए अगर आपने गलती से भी अपने नंबर पर डबल बार रिचार्ज किया है तो ऐसे में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एयरटेल में अपकमिंग प्लान का एक सेक्शन होता है जिसकी वजह से अगर आप अपने नंबर पर दो बार रिचार्ज करते हैं तो जो दूसरा रिचार्ज होगा वो अगले महीने जाकर एक्टिवेट होगा। इसके लिए आपको कोई प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका पहला रिचार्ज खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा रिचार्ज एक्टिवेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने एयरटेल के नंबर पर 199 का दो बार रिचार्ज कर दिया है, इस केस में आपका पहला रिचार्ज जो है 199 का एक्टिवेट हो जाएगा और जो दूसरा रिचार्ज है वो अपकमिंग प्लान में होल्ड होगा। जैसे ही आपका पहला रिचार्ज खत्म होता है तो दूसरा रिचार्ज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गलती से भी अपने एयरटेल के सिम में दो बार रिचार्ज किया है तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने प्लान की जानकारी देखना चाहते हैं तो आप एयरटेल थैंक्स ऐप में अपने प्लान की जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो भी आपके मन में क्वेश्चन थे उसके आंसर्स मिल गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।